बिहार में बाढ़ की कहर से 85 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। किसी ने घर खोया, किसी ने अपनों को तो किसी ने भविष्य। ये तस्वीरें हैं मधुबनी के नउआर गांव की, जहां लोगों के घरों के साथ साथ उनके सपने भी पानी में डूब गए। इन तस्वीरों में जो शख्स दिख रहा है उसका नाम है राकेश। राकेश का सपना था सैनिक बनकर देश की सेवा करना, लेकिन इस बाढ़ में राकेश के सभी सर्टिफिकेट पानी में बह गए। राकेश ने बताया कि बाढ़ आने से दो दिन पहले ही वो एनसीसी कैंप से ट्रेनिंग करके वापस लौटा था। जी, मेरा जो था, मैं तो पहले सर 13 तारीख को जो ये घटना हुआ है ये बाढ़ वाला, उससे पहले हम 10 तारीख को हम एनसीसी कैंप से जो आए थे और यहाँ पे आए तो 13 तारीख का ऐसा घटना हुआ। उसके बाद तो आप वहाँ पे देखे ही सब कुछ क्या हुआ और बताए भी। तो सर मेरा जितना भी डॉक्यूमेंट सब था सब बह गया, किताब कॉपी सब बह गया। अभी कम फर्स्ट ईयर का मैं वैसे स्टूडेंट हूँ, इस बार एग्जाम सेकंड ईयर के लिए दिए हैं और मेरा सब डॉक्यूमेंट सर बह गया। मैं जो हूँ सर आर्मी का तैयारी कर रहा हूँ, आर्मी के लिए अपने एक देश मतलब देश के लिए सैनिक मैं बनना चाहता हूँ सर। 10th 12th सबका बह गया? जी जी बह गया है। अभी आप कौन से सेकंड फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकंड ईयर के लिए एग्जाम दिया हूँ इस बार। सब बह गया? सब बह गया सर। आपके पास डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं? नहीं, डॉक्यूमेंट्स है जो भी है सर भीगा हुआ है, कुछ कुछ मिल रहा है यही सब जी। और आर्मी का तैयारी कर रहा हूँ और ऊपर से सर ये है ना सर, आर्मी का तैयारी कर रहा हूँ, ऊपर से जो है सर FIR दर्ज, वो जो वहाँ पे हंगामा कोई किया और इस टोला जो मेरा उसराहा टोला है उसको सान दिया है और सब पे FIR दर्ज कर दिया है, सब बच्चे बूढ़े सब पे कर दिया है। उससे तो हम लोग का करेक्टर खराब हो जाएगा, तो जो भी हम लोग का है कुछ होगा नहीं। देश से हमारा तो पूरा मतलब अपना अंदर से देश सेवा करने का मन है। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी घटना भी नउआर गांव की ही है, जहां 50 से 60 पक्के मकान पानी में बह गए। इसी नउआर गांव के एक मंदिर में दिगंबर मंडल पुजारी थे। जब बाढ़ आई तो गांव के लोगों ने कहा कि आप यहां से भाग जाइए क्योंकि डूब जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि भगवान को छोड़कर हम नहीं जाएंगे। और आगे क्या हुआ गांव के लोग अपना दर्द बयां करते हुए बताते हैं। हाँ, वो जो है मतलब वो मर गए, वो ये बांस में लगा हुआ था, वो 3 दिन के बाद मिले, वो मतलब एकदम पानी में ही बह गए। हाँ, पानी में बह गए। वो बोले जो हमारा बजरंगबली चले जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। वो कितना भी आदमी बुलाया फिर भी वो नहीं आए, वो मूर्ति पकड़े रहे। हाँ, वो मूर्ति पकड़ करके वो निकल गए। वो पहले अपने गए, उसके बाद पीछे मंदिर भी गया। तीसरी घटना भी मधुबनी से ही है, जो मानवता को झकझोर कर रख देगी। बाढ़ के पानी का ये विकराल नजारा गेहुआ नदी का है और इस गेहुआ नदी में एक नवजात बच्चे का शव नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया। देखिए, नदी में मासूम बच्चे का शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है और फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सर, एक लक्ष्मीपुर चौक से भी कल एक घटना की सूचना मिली थी, वो क्या घटना था? घटना तो अभी स्रोत से मुझे प्राप्त हुआ, 7 बजे बच्चे की एक बच्चे का शव मिला है, उस शव का अभी पहचान हो पाया है? अब सवाल ये है कि मधुबनी में बाढ़ के कहर से कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी और कब तक प्रशासन आंखें बंद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।